दुनिया में मोहब्बत का असर जिंदा किया है हमने, दुनिया में मोहब्बत का असर जिंदा किया है हमने, नफरत को गले मिल मिलकर शर्मिंदा किया है, हमने नफरत को गले मिल मिलकर शर्मिंदा किया है। आप सभी को मेरा नमस्कार, मैं हूँ मिलन गोपीचंद महाजन आड़ाव से, पाठशाला प्रताप विद्या मंदिर, यत्ता आठवीं। हम 2 अक्टूबर को गांधी जी की 191वीं जयंती अहिंसा दिन के रूप में मनाते हैं। औपचारिकता के लिए बता दूं कि 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। लेकिन सवाल ये है कि गांधी जी के जन्म के 150 सालों बाद हमने गांधी जी को क्या दिया? एक ऐसा देश जिसमें एक भाई दूसरे भाई की हत्या कर रहा है, एक ऐसा देश जो अपने ही बापू के चरखे को मशीनों से काट रहा है। सबसे बड़ी गलती हम तब करते हैं जब हम गांधी जी को बिना पढ़े और समझे उनके बारे में धारणा बना देते हैं, और उस धारणा के आधार होते हैं वो दो आधुनिक बाहुबली फेसबुक और व्हाट्सअप। इस व्हाट्सअप को भी हल्के में लेने लायक नहीं है। वैष्णो देवी की एक फोटो 18 लोगों तक तो शेयर करने पर यह आपको मालामाल बना सकता है, तो आप समझ सकते हैं कि इसके ध्यान पर कितना भरोसा किया जा सकता है। आज हम गांधी जी को बांट रहे हैं, उनकी स्वच्छता को लेकर हम खूब प्रचार प्रसार कर रहे हैं, लेकिन उनकी धर्मनिरपेक्षता को दरकिनार कर देते हैं। ऐसा करना अगर मैं कहूँ कि हमारे नैतिक दिवालेपन को दर्शाता है तो ये कतई गलत नहीं होगा। गांधी जी का कहना था कि हम सदैव अल्पसंख्यकों के साथ खड़ा रहना चाहिए। ऐसा नहीं था कि उस दौर में गांधी जी की आलोचना नहीं होती थी। कई नामचीन लोगों ने गांधी जी को मस्करा, जोकर, लंगे फकीर और चतुर वनिया तक कहा, लेकिन गांधी जी के मन में तब भी यही बात चलती होगी कि मैं नूर बन के जमाने में फैल जाऊंगा, मैं नूर बन के जमाने में फैल जाऊंगा, तुम आफताब में कीड़े निकालते रहना। एक ऐसे दौर में जब लटकिया चीजों से सराबोर हो जाना चाहते थे, उस दौर में गांधी जी ने जब धोती पहनी तो यह इस बात का संकेत था कि यह आदमी कुछ करेगा। गांधी जी ने अपने स्वराज्य की परिकल्पना में किसी को भी नहीं बख्शा। वो डॉक्टरों के लिए कहते थे कि डॉक्टरों को इंसानों की चमड़ी छोटने के बजाय उनके आत्मा को छूना चाहिए, तभी असल मायने में मरीज तंदुरुस्त हो सकता है। आज हम ऐसे दौर में हैं जब गांधी जी को पढ़ने और समझने वाले चंद ही लोग बचे हैं, लेकिन उन चंद लोगों के लिए स्वतंत्र की क्रांति में लगा यही नारा याद आता है कि हम तो हार ही रहे लेकिन समाज के लिए एक आखिरी बार उकसाने का मौका नहीं खोना चाहते। आखिर मैं यही कहना चाहूंगा कि गांधी जी अमर हो गए दुनिया के लिए, लेकिन माँ भारती की इस मिट्टी के लिए गांधी जी जिंदाबाद थे, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेंगे। अंत में अपने बाल मन को विराम देता हूँ, 2 पंक्तियां कहना चाहता हूँ कि अहिंसा का पुजारी सत्य की राह दिखाने वाला, ईमान का पाठ पढ़ा गया वो बापू लाठी वाला। जय हिंद, जय भारत, जय गांधी।